दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा करेंगे वॉट्स के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि होम्योपैथी में एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है वॉट्स, यानी मस्सों को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, ये सही है कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती है थ्यूजा, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है मस्सों और वॉट्स को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, मस्से और वॉट्स सेम चीज़ होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। दोस्तों, ये छोटी छोटी ग्रोथ्स होती हैं, वायरस के कारण हमारी बॉडी की स्किन की ओवर ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन थ्यूजा सेफली इनको ट्रीट करती है, यानी कि आपको कटवाना नहीं पड़ता, ये अपने आप नेचुरल वे में झड़ जाती हैं जब होम्योपैथिक मेडिसिन उस वायरस को मारती है। दोस्तों, थ्यूजा कई बार अप्लाई करने का भी फायदा होता है और हम बहुत सारे केसेस में अप्लाई करने को भी देते हैं। दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे थ्यूजा आप कितनी पोटेंसी में ले सकते हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। और दोस्तों, बाकी मेडिसिंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि होम्योपैथी में और कौन सी मेडिसिंस हैं जो अगर आपको थ्यूजा राहत नहीं देती है तो आप वो बाकी की मेडिसिंस कौन सी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके मस्से नेचुरल वे में झड़ जाएँ और आपको सर्जिकली कटवाने ना पड़े। तो आइए दोस्तों, आगे चर्चा शुरू करते हैं वॉट्स के ऊपर। दोस्तों, वॉट्स नॉन कैंसरस ग्रोथ होती हैं स्किन की। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेल्स हैं ग्रोथ के अंदर, ये बेनाइन हैं, ये कैंसरस नहीं हैं, तो हमें बिल्कुल भी इनसे डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये होते हैं एक इन्फेक्शन के कारण। दोस्तों, इस इन्फेक्शन का नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दोस्तों, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है और दोस्तों, ये जो वायरल इन्फेक्शन स्किन के जिस एरिया को जाके इन्फेक्ट करता है, वहाँ पर ये स्किन के सेल्स को ट्रिगर करता है कि वहाँ पर ज़्यादा सेल्स बनाए, और दोस्तों वो जो सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो वो एक वॉट की शेप ले लेते हैं। दोस्तों, कई बार ये जो मस्से होते हैं आपको सॉफ्ट मिलते हैं, पर मेजरली आपको थिक और हार्ड मिलते हैं। दोस्तों, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि वॉट्स हाईली कंटेजियस होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि वॉट्स बहुत ईजिली एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं या किसी का टॉवल यूज़ कर रहे हैं या आप शेविंग रेज़र यूज़ कर रहे हैं जो किसी ऐसे इंसान ने यूज़ किया है जिसको वॉट्स हुए हुए थे फेस पे, तो दोस्तों आपको भी चांसेस हैं कि वॉट्स डेवलप हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रिकॉशंस रखनी बहुत ज़रूरी हैं। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि अगर आपका एक्सपोजर हुआ है वॉट्स के या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को तो आपको भी वॉट्स डेवलप होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत काम आता है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इस वायरस को फाइट कर लेता है और उनको वॉट्स नहीं डेवलप होते हैं। दोस्तों, एक और साइंटिफिक फैक्ट जो कि बहुत कॉमनली हम देखते हैं, वो ये होता है कि जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं या क्रॉनिक स्किन कंडीशंस हैं, एक्जिमा है या शेविंग रेजर्स यूज़ कर रहे हैं, किसी और का शेविंग या बाहर से शेव करवा रहे हैं, दोस्तों इन लोगों को वॉट्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी स्किन कट जाती है, जहाँ जहाँ वायरस को एक रास्ता मिल जाता है स्किन के थ्रू अंदर जाने का, दोस्तों वहाँ पर वॉट्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ वॉट्स के ऊपर। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होती है जिसे हम कॉमन वॉट बोलते हैं। दोस्तों, कॉमन वॉट अक्सर हमारे हाथों के ऊपर, फिंगर नेल्स के साइड्स के ऊपर और पैरों पे मिलता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जहाँ जहाँ स्किन में कट आता है या ब्रीच ऑफ स्किन होती है, वहाँ पर ये वॉट फॉर्म होता है। दोस्तों, इसका साइज एक छोटे पिन के हेड से लेके मटर के दाने तक हो सकता है। दोस्तों, एक और तरह के वॉट्स जो कि बिल्कुल भी वॉट्स की तरह नहीं दिखते हैं, जिसे हम प्लांटर वॉट्स कहते हैं। दोस्तों, प्लांटर वॉट्स उन वॉट्स को बोलते हैं जो पैरों के तलों के नीचे होते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने क्लिनिक में देखा है कि पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब पैर के नीचे कॉर्न हो गया है, पर वो कॉर्न नहीं होता, वो वॉट होता है। दोस्तों, ये एक रफ हार्ड पैच हो जाता है स्किन के नीचे, जिसमें छोटे छोटे आपको ब्लैक हेड्स मिलेंगे। दोस्तों, इसकी होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है और दोस्तों ये पेनफुल भी होते हैं वॉट्स चलने पर। दोस्तों, मैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बाद में जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की डिस्कशन करेंगे उस समय बताऊंगा कि कौन सी इसकी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव होती है प्लांटर वॉट्स को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, अब आते हैं एक और वैरायटी ऑफ वॉट्स जिसे हम फ्लैट वॉट्स बोलते हैं। दोस्तों, फ्लैट वॉट जैसे कि उनका नाम सजेस्ट करता है, ये फ्लैट होते हैं और उठे हुए या उभरे हुए नहीं होते हैं। दोस्तों, ये लार्ज नंबर्स में आते हैं, 10, 20 से लेके 100 तक के आते हैं एक एरिया के अंदर, और अक्सर देखा गया है कि बच्चों के फेस के ऊपर, विमेंस की लेग के ऊपर, औरतों की लातों के ऊपर और आदमियों के बियर्ड एरियाज में ये अक्सर मिलते हैं।
दोस्तों एक और वैरायटी ऑफ वॉट होती है जो अक्सर आपको आँखों के साइड के ऊपर, आईलेट के ऊपर, नोज़ के साइड के ऊपर या मुंह के साइड के ऊपर, लिप्स के साइड के ऊपर अक्सर मिलती है। इसे हम फिलीफॉर्मिस वॉट बोलते हैं। दोस्तों फिलीफॉर्मिस वॉट जो होता है एक नॉर्मल वॉट से थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। इसकी आपको स्पाइक्स मिलेंगी, जैसे ब्रश में से कांटे निकल रहे होते हैं उस तरह की मिलेंगी। दोस्तों इसे फिलीफॉर्मिस वॉट कहते हैं। दोस्तों जब ये वॉट्स जेनिटल्स पे हो जाते हैं यानी कि गुप्त अंगों पे हो जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर भी होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनको ट्रीट करने में। दोस्तों जब वॉट्स जेनिटल्स पे होते हैं ये टिपिकल टाइप के होते हैं, ये एक बंच में आते हैं, क्लस्टर में होते हैं और कॉलीफ्लावर लाइक टाइप वॉट्स होते हैं। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं कि थ्यूजा किस तरह के वॉट्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों में वॉट्स बनने की टेंडेंसी होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनको वॉट्स लगातार बनते रहते हैं, एक वॉट बनता है वो उसको रिमूव कराते हैं सर्जिकली या केमिकल लगवा कर, थोड़ी देर में दोबारा से वॉट बन जाता है। दोस्तों इसे हम बोलते हैं बॉडी की टेंडेंसी टू फॉर्म वॉट्स। दोस्तों थ्यूजा बॉडी की टेंडेंसी को ठीक करती है, जो वॉट्स बनने की टेंडेंसी है उसको ख़त्म करती है। दोस्तों थ्यूजा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है ताकि आप उस वायरस को फाइट कर सकें, ताकि आपको वॉट्स बार बार ना हो। दोस्तों थ्यूजा तकरीबन हर तरह के वॉट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा वॉट दोनों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है थ्यूजा। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि जो लार्ज फ्लैशी वॉट्स होते हैं, सॉफ्ट वॉट्स होते हैं, वहाँ पर थ्यूजा ज़्यादा अच्छा काम करती है। दोस्तों हार्ड वॉट्स में भी थ्यूजा इफेक्टिव होती है पर इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी एंटीमनी क्रूडम होती। दोस्तों थ्यूजा सेंसिटिव वॉट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपको वॉट है और वो बहुत सेंसिटिव है यानी कि आपको बहुत जलन हो रही है, खारिश हो रही है या बहुत ईजिली ब्लीड हो रहा है, अगर कपड़ा लग रहा है और उसको बहुत ज़्यादा उसमें खारिश हो रही है, जलन हो रही है और बहुत ईजिली ब्लीड कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी थ्यूजा बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों थ्यूजा जो हमारे जेनाइटल एरिया पे वॉट्स होते हैं उनको ट्रीट करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों जेनाइटल एरिया के साथ साथ अगर वॉट्स एनल एरिया पे हैं यानी कि आपके मलद्वार के अराउंड हैं तो दोस्तों उसमें भी थ्यूजा बहुत इफेक्टिव होती है। तो आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि आप थ्यूजा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने वॉट्स को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों मैं 30C पोटेंसी थ्यूजा की बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ और बहुत सारे पेशेंट्स को मैं दिन में एक बार ही देता हूँ या दो बार ही देता हूँ। दोस्तों आप इसे दो ड्रॉप आधी कटोरी पानी में डाल के ले सकते हैं, वो आपकी एक डोज बनेगी। दोस्तों आप दिन में एक बार ही या दो बार ही ले सकते हैं और 15 दिन से लेके एक महीने तक रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने थ्यूजा को यूज़ करना है एप्लीकेशन के लिए तो आप मदर टिंचर लेंगे मार्केट से और उसको यूज़ करेंगे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि मदर टिंचर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको इंटरनली कंज्यूम नहीं कर सकते यानी कि आपको उसको पीना नहीं चाहिए। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको स्किन के उन एरियाज़ पे लगाना चाहिए जो आपके सेंसिटिव नहीं है। जैसे मैंने कई बार देखा है कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो आँखों के अराउंड थ्यूजा को अप्लाई कर रहे होते हैं। दोस्तों ये एक बड़ी रिस्की चीज़ है क्योंकि आईज़ बहुत सेंसिटिव होती हैं और थ्यूजा की मदर टिंचर में अल्कोहल होती है तो वो वहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों नॉर्मल हाथों पे, पैरों पे आप लगा सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें अल्कोहल होती है तो आपके जेनाइटल एरियाज़ में अगर वॉट्स हैं तो दोस्तों वहाँ बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है थ्यूजा की मदर टिंचर। दोस्तों मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप जो ईयरबड्स होती हैं उनको हल्का सा डिप करके उस पर पेंट कर लीजिए वंस या ट्वाइस अ डे, अपने वॉट के ऊपर उसको पेंट कर लीजिए वंस या ट्वाइस अ डे। दोस्तों एंटीमनी क्रूडम थ्यूजा से थोड़ी डिफरेंट होती है इंडिकेशंस में। दोस्तों एंटीमनी क्रूडम दी जाती है जहां पर आपको हार्ड वॉट्स मिलते हैं। दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया थ्यूजा में सॉफ्ट वॉट्स होते हैं, ऑल्दो हार्ड वॉट्स में भी थ्यूजा दी जाती है पर मैंने देखा है कि एंटीमनी क्रूडम का एक्शन ज़्यादा बेटर होता है हार्ड वॉट्स में। दोस्तों प्लांटर वॉट्स जिसकी डिस्कशन मैंने पहले की थी, जो कि पैर के तलों पर वॉट्स होते हैं जिसे कुछ लोग कॉर्न भी कह देते हैं, कॉर्न के लिए मिस्टेक कर लेते हैं उसको, दोस्तों वहाँ पर एंटीमनी क्रूडम बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों आप एंटीमनी क्रूडम 30C वंस अ डे ले सकते हैं 15-20 दिन या एक महीने के लिए, आपके प्लांटर वॉट्स में बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों ये थी चर्चा वॉट्स और होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पर मदर टिंचर यूज़ करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे स्किन पे, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी चर्चा किए बिना ये मेडिसिन ना यूज़ करें।
दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या आप हमारे नीचे दिए गए क्लिनिक के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं drhomeo.com पे और अपनी हमें क्वेरी छोड़ सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।